हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों 2022 और 2023 के लिए साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए। जो जो आपको आज ये वीडियो मिलेगा साथियों, तो प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। तो प्रैक्टिस पेपर में आज हम लोग 14वां प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। कौन सा नंबर देखेंगे? तो 14 नंबर का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रश्न एक से स्टार्ट करेंगे और 40 क्वेश्चन तक देखेंगे। कितना तक देखेंगे? 40 क्वेश्चन। इसको जो अगला वीडियो आएगा उसमें भी 40 क्वेश्चन देखेंगे। जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम 45 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से 125 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट लें। वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है आपका, अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है? रविंद्र रेड्डी, यामिनी राय, भूपेन खक्कर या सियाच रजा। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो हमारे आंसर बताने से पहले आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। लास्ट में टोटल कमेंट करके बताएंगे 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो यहाँ पे भूपेन खक्कर हो जाएंगे। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? इसमें से चित्रकला का कौन सा एक स्कूल है जो राजस्थान का है? कुल्लू है, मालवा है, बूंदी है या मांडी है? तो राजस्थान से इसमें से कौन सा संबंधित जो राजस्थान स्कूल का है? तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? बूंदी। बूंदी जो है आपके राजस्थान स्कूल से संबंधित है। सबसे विशाल काय शिलाकट मंदिर भारत में है? सबसे विशाल काय शिलाकट यानी पत्थर की ना, भारत में पत्थर की मूर्ति कौन सी है? मूर्ति नहीं, मंदिर पूछ रहा है कौन सा मंदिर है शिलाकट, जो पत्थर का मंदिर है भारत में, महाबलीपुरम है, एलोरा है, एलिफेंटा है या कोणार्क है? पत्थर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा एलोरा। एलोरा का जो मंदिर है पत्थर के द्वारा काट कर बनाया गया, सबसे एकाश पत्थर का उदाहरण है ये, सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? जो भारतीय संविधान है इसका जो मूल ग्रंथ है उसको किसने सज्जित किया, तैयार किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, अशित कुमार हलधर, क्षितिजनाथ मजूमदार या नंदलाल बोस? तो भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है उसे सज्जित किसने किया, उसे तैयार किया, उसको चित्रकारी का कार्य किसने किया? तो नंदलाल बोस साहब थे। कौन थे साथियों? तो नंदलाल बोस, जो बंगाल शैली से संबंधित कलाकार थे। भारत माता विवादित चित्र किसने चित्रित किया है? भारत माता विवादित चित्र है इसको किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर यानी एस बेंद्रे, या मियाँ हुसैन या नंदलाल बोस? तो भारत माता की जो विवादित तस्वीर थी इसको किसने बनाया था साथियों? तो ये यामिया हुसैन बनाया था, जो राज्यसभा के सदस्य थे इंदिरा गांधी संबंधित, जिन्होंने चित्र बनाए हैं। 2006 में भारत छोड़ दिए थे, 10 में कतर की नागरिकता लिए, 11 में लंदन की मृत्यु जाती है ना। ये कहते थे मैं घोड़ा दौड़ाता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। तो राजपूत शैली, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी या जयपुर ईरानी? तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत अगर देखा जाए तो सम्मिलित नाम किसका हो जाएगा? तो राजस्थानी और पहाड़ी, राजस्थानी और पहाड़ी को मिलाकर राजपूत शैली का निर्माण होता है, तो यह इसका सम्मिलित नाम कहा जाता है। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलम मोहम्मद शासक का नाम क्या? तो बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन कराया जाता है साथियों, 40 से 50 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए, किशनगढ़ के कवि कलाकार और कला मर्मज्ञ शासक कौन थे, राजा कौन थे? जो किशनगढ़ के थे वो कवि थे, कलाकार थे, कला मर्मज्ञ, मान सिंह, सावन सिंह, संसार चंद, हरि सिंह कौन थे? तो सावन सिंह थे। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार कौन है? निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार कौन है? क्षितिजनाथ मजूमदार, अशोक कुमार हलधर, नंदलाल बोस या सुधा डालमिया? प्रसिद्ध कला इतिहासकार ढूंढना है आपको, तो कौन हो जाएंगे साथ यहाँ पे? यहाँ पे यशोधर डालमिया, क्योंकि ये तीनों चित्रकार हैं, ये तीनों चित्रकार हैं, लेकिन यशोधर डालमिया जो हैं ये क्या हैं? ये कला इतिहासकार हैं। ठीक, अगला है आपका, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे पूछ रहा है? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? अवनींद्रनाथ, क्षितिजनाथ, अशित कुमार हलधर या राम कुमार? तो लखनऊ, लखनऊ आर्ट कॉलेज से किसका संबंध था साथी? तो अशित कुमार हलधर का। देव प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे?
देवी प्रसाद या डी पी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे? कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, लखनऊ आर्ट स्कूल या जयपुर आर्ट स्कूल? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे साथी? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो ये मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? जो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जो 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी करना स्टार्ट किए थे, लगभग 2500 चित्रों को बनाए थे, तो चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली से, आधुनिक विमोद शैली से, प्राचीन शास्त्रीय शैली से, यूरोपीय शास्त्रीय शैली से। तो कैसे इनकी रचना थी साथियों जब बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की? तो आधुनिक विमूर्त शैली के चित्रकारी करते थे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? जो नंदलाल बोस साहब हैं इनका जन्म पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ, बिहार, बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो नंदलाल बोस साहब का जो जन्म हुआ था साथियों, तो बिहार के मुंगेर प्रांत जो था, मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, मुंगेर में नंदलाल बोस साहब। इनमें कौन असंबंध है? देखिए इसमें से कौन अलग है ढूंढना है आपको, मंसूर, मनोहर, बिहजाद या मिस्किन? तो कौन इसमें से एक अलग है? तो अलग इसमें से कौन हो जाएंगे साथियों? तो देखिए मंसूर, मनोहर, बिहजाद ये सब जहांगीर से संबंधित कलाकार थे ना, लेकिन एक बिहजाद जो था तो बाबर के संबंधित समझ रहा था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो ये इनसे हट के है, अलग है ना। तो ये राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मैसेज किस माध्यम में बना है? पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए जो माइकल एंजेलो का मैसेज है वो किस माध्यम बना सकते हैं? फ्रेंस्को में, चलचित्र फलक में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में या संगमरमर में? तो किस में बना साथी हैं? पोप जूलियस का जो द्वितीय का मकबरा था, तो इनका जो मकबरा बना था वो संगमरमर में बना था। किसका था? संगमरमर का। सेलेनार डे का जन्म हुआ, तो सेलेनार डे का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, अटिंगल में, इलाहाबाद अब प्रयागराज में? सेलेनार डे नाम से ही कुछ लगता है कि ना केरला साइड से थे, तो लेकिन ऐसा नहीं, तो नाम देखकर आपको जाना नहीं है। तो सेलेनार डे का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में ये हुआ था साथी इनका। अगला है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी महाराज के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि दारागंज आप सुने इलाहाबाद वहीं से संबंधित है? किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी महाराज यानी तीन चित्रों भित्त चित्रियाँ तैयार की थी? भित्त चित्रों की जो प्रतिलिपि तैयार की थी, कौन से कलाकार? हर्षित कुमार, गगननाथ टैगोर, यामिनी राय या अमृता सेरगिल? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो अर्षित कुमार हलधर थे जो बाघ, अजंता, जोगी महाराज के भित्ति चित्र तैयार किए थे। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्रकार कौन थे? मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्रकार कौन थे जो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए बनाए हुए हैं? जहांगीर को मैडोना का चित्र लिए हुए बनाए हुए हैं ना। और नई दिल्ली के चित्रकार का नाम बताइए, संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार में। तो कौन चित्रकार हैं जिन्होंने जहांगीर को मैडोना लिए चित्र किए? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, उस्ताद मीर हासिम। तो जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार इसमें से साथियों कौन था? तो अबुल हसन था ना। तो यही जहांगीर को मैडोना लिए हुए चित्र किया है, चित्र बनाया। बर्थ किसका चित्र है? बर्थ किसका चित्र है? एम एफ हुसैन, बेंद्रे, एम एफ सूजा, गगननाथ टैगोर? तो बर्थ जो चित्र है साथियों किसके द्वारा बनाया गया है ये? तो एफ एम सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा बर्थ को बनाया गया है। अगला है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार की पहचान करिए। इनमें से एक कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कलाकार है उसे ढूंढना है। तैयब मेहता है, हैबर है, गुलाब मोहम्मद शेख हैं या गाय तोड़े हैं? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन हो जाएंगे साथियों? तो गाय तोड़े जो थे ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार थे। किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया है? द लार्ज हॉर्सेस किसके द्वारा बनाया गया है? और ब्लू राइडर्स का संस्थापक सदस्य कौन था? ब्राक, ओजन फैन, के एस कुलकर्णी या फ्रांस मार्क? तो कौन थे साथियों? द लार्ज रेड हॉर्सेस और ब्लू राइडर समूह को बनाने वाले फ्रेंच मार्क थे।
सांझी कला किस पर की जाती है? जो सांझी कला है यह किस पर की जाती है? कागज पर, कलसे पर या कपड़े पर? तो सांझी कला जो होती है साथियों, ये जमीन पर करने वाली एक क्या है, कला होती है, जमीन यानी भूमि पर। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास आरंभ, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों, तो ये बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास होता है ये बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। हरिपुरा पैनल के विषय वस्तु बताइए क्या थी? हरिपुरा पैनल के जो विषय वस्तु क्या है, भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण या महाभारत? तो क्या था साथियों, हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु थी वो भारतीय ग्राम्य जीवन था। क्या था? भारतीय ग्राम्य जीवन। यूनिक कारण छवि हमें मिलती है, जो यूनिक कारण छवि है कहाँ से मिलती है? सिंध घाटी की मोहरों पर, सिंध घाटी की मूर्तियों पर, सिंध घाटी की मृदभांडों पर, कोई नहीं। तो ये कहाँ से देखने को मिलती है साथियों, तो ये जो मूर्ति सिंध घाटी की मोहरों पर, यूनिक कारण की जो छवि मिलती है, तो सिंध घाटी से जो मोहर मिले थे ना, उनसे मिलती है। आधुनिक शिल्प शिक्षा न 1972 ये क्या है, पुस्तक के लेखक कौन है? अवनीन्द्रनाथ, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, विनोद भारद्वाज। आधुनिक शिल्प शिक्षा तो ये पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहा है कि लेखक कौन है, इसके जो लेखक हैं साथियों तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। आधुनिक शिल्प शिक्षा के जो लेखक हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। अगला है आपका, किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 में एमिनेंट आर्टिस्ट घोषित किया था ना? तो कौन सी ललित कला अकादमी थी जो 1954 में एमिनेंट आर्टिस्ट घोषित किया था? किसे? राम कुमार को, पिकासो को, रजा को, यामियाफ हुसैन को? तो किसे घोषित किया था साथी ने, तो यामियाफ हुसैन को। कपड़े पर चित्र चित्रकला का मुख्य स्थल है, कपड़े पर चित्र चित्रकला का मुख्य स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर पर देखिए, 27 का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो कपड़े पर चित्र चित्रकला का जो मुख्य स्थल है वो उदयपुर है। क्या होता है? उदयपुर। उदयपुर में सबसे ज़्यादा कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा है, कृष्ण लीला है, बुद्ध चरित है, शिव कथा। अजंता चित्रों का जो मूल विषय होगा वो क्या होगा? अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित साथी, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में अजंता में कुल कितने चित्र मिलते हैं? तो 23। पहले कितने थे? तो 29, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो 23। तो राइट आंसर 30 लगाएंगे आप ना। तो यह बुद्ध के चरित्र से, बुद्ध से संबंधित है। जैन चित्रकला कहलाती है, जैन जो चित्रकला है क्या कहलाती है? भित्त चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? तो जैन चित्रकला क्या कहलाती है साथियों, तो जैन चित्रकला जो अगर कहलाती है तो ये लघु चित्र कहलाती है। क्या कहलाती है जैन चित्रकला? तो लघु चित्र कहलाती है। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो पाल पोथी चित्रों का जो विषय क्या है, पाल राजाओं का जीवन चरित्र है, नवाबों का दरबार है, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो पाल जो है बंगाल से संबंधित है, पाल जो थे बंगाल बिहार नेपाल से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है पाल राज। तो ये जो बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित चित्रकारियाँ करेंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध चित्र मार्टिन फॉर्टेन की स्मृति किसका है? किसका विश्व प्रसिद्ध चित्र है? पूर्वे का है, मोने का है, कामिल कोरो का है, देख का है? तो किसकी रचना है साथियों, मार्टिन फॉर्टेन की स्मृति किसकी है? तो कामिल कोरो की है। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कौन था ना? प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर आपको ढूंढना है कौन था जो 1890। हिम्मत शाह, जी एम शेख, ज्योति भट्ट, जयराम पटेल? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो ज्योति भट्ट हो जाएंगे। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राजरंगनियों का चित्रण, कृष्णलीला का चित्रण, ग्राम जीवन का चित्रण? तो 33 नंबर पे देखें, 33 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या होगा? ऋतुओं का चित्रण। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? इनमें से बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है
उसी को ढूंढना है, लास्ट में प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। सुधीर खसगिर, शारदा वकील, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद, तो बंगाल शैली के कलाकार इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सुधीर रंजन भी हैं, शारदा वकील भी हैं, मुकुल डे भी हैं, लेकिन जो ईश्वरी प्रसाद है, ईश्वरी प्रसाद, तो ईश्वरी प्रसाद एक कंपनी शैली का कलाकार थे, तो ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पूछ रहा है, राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम, तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या पड़ेगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसे पहाड़ी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि कमेंट आ रहा होगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं साथियों। लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका 40 में से सही हुआ। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन या कश्मीरी? तो किसका प्रभाव पड़ा था कांगड़ा चित्रकला पर? तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, जो के.एस. कुलकर्णी है इनकी कला में पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है साथियों के.एस. कुलकर्णी की कला में? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम्य जीवन के दृश्य, प्राकृतिक चित्रों के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य। तो क्या पाया जाता है के.एस. कुलकर्णी की कला में? तो ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों प्रसिद्ध, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली ना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में, भारतीय केंद्रों में अगर जो प्रसिद्ध है तो उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? पटना। तो पटना प्रसिद्ध है साथियों भारतीय केंद्रों में। अगला है आपका, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियाँ अधिकांश घरों में पाई जाती है ना? अधिकांश घरों में पाई जाती है, तो कौन से कलाकार की चित्रकृति है? नंदलाल बोस, छतिंदर मजुमदार के, अमृता सेगे या राजा रवि वर्मा के? तो कौन से भारतीय कलाकार के चित्रकृति अधिकांश घरों में पाए जाते हैं? तो राजा रवि वर्मा। राजा वर्मा जो थे साथियों पौराणिक कथाओं से संबंधित कलाकार थे, जितने भी कैलेंडर बनते थे देवी देवताओं के, वो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए जाते थे ना। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी के सर्वप्रथम प्रतिमा का शीर्षक था, यानी देव प्रसाद राय चौधरी जो एक सबसे पहले एक प्रतिमा बनाए थे, प्रतिमा यानी मूर्ति, उसका शीर्षक पूछ रहा है क्या है? माय फादर था, ध्वंस देवता था, स्नान के बाद था या श्रम की विजय थी? तो क्या था साथियों, देव प्रसाद राय द्वारा सबसे पहले जो प्रतिमा बनाए थे उसका शीर्षक क्या था, किस शीर्षक पर उचित मूर्ति बनाए थे? तो उसका नाम था साथियों स्नान के बाद। क्या नाम था? स्नान के बाद। तो काफ़ी लोग श्रम की विजय लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा, स्नान के बाद आप लगाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये रहे साथी आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और प्रैक्टिस पेपर 14 स्टार्ट हो गया है आपके सामने, तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को नोट डाउन करते चलिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए साथ, निश्चित सफलता मिलेगी। सीटें बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अपना एक सीट मांग के आप चलिए तो पक्का निश्चित दृढ़ संकल्प रहेगा, तो आपका उस सीट आपको मिलेगा। तो दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा साथी, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों वीडियो देखने के लिए, वीडियो करने के लिए साथियों। जो नए व्यूअर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे। बहुत बहुत